रामेन को मैं बोल बोल देती है जब उसको लेके आइए बड़े गाड़ी नहीं है कैसे आएगा। अरे जो हाथ में पैदल चलती है वो तो आ सकती है, ये लोग तो आ सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया। अरे वहाँ दिन नहीं जाना तो मैं समझते आऊँ फिर और बात तब तो सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में और 2001 में ना 2002 से शुरू किए थे, पहले पुलिस वाले थे, अभी CISF तक की सिक्योरिटी को देख रहे हैं, बाहर 500 मीटर और पूरा ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का। आपने लोग बुला दिए, निकल के थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज होता है। और दूसरी बात की हमको लोगों को इतनी जो भीड़ है इनमें ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हमारे समाज का बहुत अहम हिस्सा है। प्रोग्राम को बढ़ाए थे आने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि आपसे मैं संपर्क करता हूँ, आपका पढ़ते रहता हूँ कि आप करते हैं। अच्छा ये थे ना बड़े काल बात फिल्म सीकरी है, यही बैठे बैठे देख सकती है। और यहाँ के बाद हम लोग जो लेडीज खास करके नहीं चलने वाले तो उनको यहीं से बैटरी बस में बैठा देंगे, सीधे फोर्ट में बाकी वहाँ तक नहीं जाती। चलो ठीक है, थोड़ा उतरना करना पड़ेगा। Today is International Women's Day, so Taj already invited them to come here. Beautiful. Yes.
Pathak. ताजमहल में, फिर हम लोग आगरा किला जाएंगे और तीसरे को चूंकि जाने आने में समय लगेगा तो उसको हमने एक फिल्म बनवाई है आप लोगों के लिए, यहाँ उस फिल्म का प्रदर्शन होगा, आप सभी लोग देखें। Yeah.
काम कर रहे हैं सबसे
सब दुनिया का हमारे जो शवाब को काम है पुण्य का है, सबसे बड़ा पुण्य आत्माएं ज्वाइन देती है। सर बोल बोल और थोड़ा और थोड़ा पीछे ये फोटोग्राफर लोग की ज्यादा बोलते हैं। हाथ तोलो, ओ मैया, हाथ तोलो, ओ मैया, ओ मैया, हाथ ऊपर करो। बोतल रख दिए, बोतल रख दिए, बोतल नीचे नीचे रख। अब एक एक दो दो चार केले खो चुकी है, इसके बाद फिर भी थोड़ा पीछे होकर के दूसरा कैसे सिस्टम बन जाएगा। बोतल नीचे रख दो अम्मा, अरे अम्मा, बोतल नीचे रख दो। दीदी लुक अब एक बार सर हमें पोज दे दीजिए। नेक्स्ट सर माई जी हाथ उठा लीजिए। थैंक यू आसो दादा बाबूजी को धोए लो बाले को ले धोए लो सबको धोए लो सबको धोए लो जय श्री राम सबको पेशने हाथ डाली दो पेशन दा सब पीछे वाले हाथ डाले पेशने जाते ना बालों को धोलो चुप चाप चाप भी धोलो
चापिए बाबा का चापिए दो, लाल बाबा का चापिए दो, लाल बाबा का Thank you, sir. से बाहर की दुनिया से वो रूबरू नहीं हो सकती है। हमने प्रयास किया कि एक बार इनको लाके जो विश्व धरोहर स्मारक हैं आगरा के उसका भ्रमण कराया जाए, और इस अवसर पे हमने सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से इन्हें यहाँ लाकर ताजमहल का भ्रमण कराया। अभी आगरा किला जाएंगे और इनके चेहरे की खुशी मुस्कान देखते बनती है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इस तरह के कार्यक्रम से एक जनसंदेश भी जाएगा कि ये हमारे समाज की अहम हिस्सा हैं और इनके प्रति हमको सम्मान प्रकट करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। उसको ध्यान में रख के हमने इसका तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। करीब कितनी महिलाएं आई हैं वृंदावन से? लगभग 125 महिलाएं आई, और इसमें मुख्य रूप से आयोजन में हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी कर्मचारी और उनके परिवार की महिलाएँ, उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी उनके ही सौजन्य से किया। सर जी थोड़ा फेस हल्का,
आइए आ गए, तुम बैठो, ये तुम यहाँ बैठ जाओ, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत। क्या कह रहे हो गाड़ी ना, अब तस्करा तो आते ना, मनुमा को नहीं मिला, यहाँ बैठो इधर आइए सर, आपको
only light, light of love, beauty of dream. Thank you, people of India and of Archaeological Survey, for your kindness. Very good. Thank you. Shot. It's my camera. Very nice. Oh, it's Patak. Come. And we serve, sir, please, come. Thank you. Twice again. Smiley, smiley. What's up, Patak? सामने नहीं प्लीज पीछे भी देखने के लिए सर सर लाइन बात करना प्लीज लाइन लाइन तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि भारत सरकार की तरफ से उनको बुलाया गया और इतने सम्मान के साथ इतने अच्छे तरीके से और श्री पाठक साहब और स्वयं उनके अधिकारी हैं सब स्वयं साथ रहे और स्वयं दिखाया जा करके तो इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते आपको। तो ये पहली बार जीवन में इन्होंने ताजमहल देखा। तो जितने लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन में रंग भरना है, क्योंकि पति के मरने के बाद सबके रंग खत्म हो गए थे। अब हमने शुरू किया है रंग भरना। तो आज इन्होंने भी, पाठक साहब ने भी, उनके जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया उसके तरफ से भी ये सरकारी कार्यक्रम तरफ से किया गया कि बहुत ही अच्छा है कि भारत सरकार ये प्रोत्साहित कर रही है इन लोगों को, इनको भी रंग भर रहे जीवन में। तो विकास बहुत अच्छा है। सुलभ की योजना तो काफ़ी हमारे पास में है। यहाँ तो अभी जो ताजमहल में भी है व्यवस्था, जो आस पास व्यवस्था है उसको हम लोग जो है उससे भी काफ़ी इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि वर्ल्ड जिसमें शौचालय यहाँ मेंटेन हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो जितने चीज़ हैं उसको बदल करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड का उसको ऑलरेडी है उसे और बढ़िया करके ऐसे रखा जाए कि ताकि बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको लगे कि हाँ साहब ताजमहल देखने जा रहे हैं, वहाँ शौचालय भी साफ सुथरा है, साफ खाना भी है, बढ़िया है, इम्प्रूव करेंगे। और फिर इसका जो ये है आगरा है उस पर कुछ काम करेंगे जो हम देश में कर रहे हैं, तो आप सब पता ही होगा। तो किस तरह के काम आगरा में करने के लिए अब इसमें क्या है, जितने आगरा में शौचालय की व्यवस्था काफ़ी है, आगरा में शौचालय की काफ़ी व्यवस्था अभी आवश्यकता है और अच्छे ढंग से है और व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि लाखों लोग यहाँ आते हैं पर्यटक देश से भी विदेश से भी। तो इस शहर में जो शौचालय पेशाब खाने ऐसे होने चाहिए जिसमें कि उसमें लिखा होना चाहिए कि इसके बाद दूसरा पेशाब शौचालय पेशाब खाना कितनी दूर पर है, ताकि लोग जाके उसको समझ सके कि भाई तक जाना है, इतना वेल मेंटेन रहे ताकि विदेशी को भी हिचक ना हो कि हम जाएँ इसमें कि नहीं जाएँ। तो प्रयास करें। Okay. Hi, camera now. Yes. I'm smiling. Everybody's smiling. Okay. No. ये लोग तो जाएंगे, इनको लेके जाओ। तो उन लोगों ने जो बताया बैठा उनको बुलाया ताजमहल के बड़ी प्रतिष्ठा के साथ
बड़े सुंदर तरीके से विषय के पाठक में तो वो बहुत वक्त की बात थी कि स्विंग है सब कुछ दिखाया और जीवन में पहली बार ताजमहल देखा तो उनके जीवन के रंग खत्म हो गए थे। बाद में हम लोगों ने भरना शुरू किया, आज एक और रंग भरा गया भाष्यकार की तरफ से, खासकर एग्रा सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, कि उनको ला के दिखाया, उनको एक मन मन उमंग आया, इतने खुश थे सब। वे ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार ताजमहल देख रहे हैं। तो वास्तव में आज तक जो महिला दिवस मनाया गया है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे पुराना होटल है आगरे में और मेरे ग्रैंड फादर के नाम से है, पंडित कुंवर दास जी के नाम से। सर एक फोटो हो जाए आपके साथ, आप यही सर जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू बोलो, क्या ना बोलते ना बोलो तो थैंक यू बोलो माँ। Thank you.
और पानी लेगी मालूम है।